ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਿਪੋਰਟਰ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ, ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਮਨਾਏ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा श्री प्रवेश कुमार एनसीए, संयुक्त मुख्य निर्वाचन जैसी हमारी परंपरा, कोई भी शुभ कार्य विविध रूप से हमारे सरकार चलते रहे, जिन मकसद को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान हमें निवेदन करते हैं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय का यहाँ पधारने पर अभिनंदन करें, माने थे अंकुर गुप्ता। पहली बार मतदान करेंगे, जो जोश के साथ उनका हौसला बढ़ाइएगा। कई संदेश पहुंचे, उसका संदेश हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। प्रिय देशवासियों, भारत के मतदाताओं को समर्पित है। इस दिन आयोग लोकतंत्र के प्रति अपने दृढ़ विश्वास को तो दोहराता ही है, साथ ही देश की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचनों की शुचिता बनाए रखने के अपने संकल्प को भी दोहराता है। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य थीम मतदाताओं को निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सौंपकर उनकी निर्वाचकीय सहभागिता की दुनिया में स्वागत करता है। एक प्रमुख पहल के रूप में हम 15 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के अपने भावी मतदाताओं का अभिनंदन करना चाहते हैं। जिसे संक्षेप में स्वीप कहते हैं, के अंतर्गत तरह तरह की पहल की गई, जैसे जागरूकता पूर्ण आस्था रखते हुए यह शब्द लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे, हिमाचल की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा के बिना सभी जनवासियों में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इसलिए सरकार को जो भी प्रमाण पत्र आप देंगे, वो प्रमाण पत्र दे तो आप रहे होंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाण पत्र आपको ही मिल रहा है। और इस डेमोक्रेसी यू रिगेन द गवर्नमेंट एज यू डिजर्व, ये बहुत सही बात है, बहुत सही।